टीवी पर इन दिनों काफी शोज ऑन एयर हैं, परंतु फिर भी बहुत से शोज ऐसे हैं जो कि टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए जानते हैं 15 अपकमिंग शोज के बारे में। पहला शो जो जल्द ही आने वाला है वो है जिंदगी मेरे घर आना। यह सीरियल स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा। स्टार प्लस पर इस समय काफी शोज ऑन एयर हैं, जिसके कारण इस शो को अभी ऑन एयर नहीं किया जा रहा है। फिर भी शो जल्द ही ऑन एयर होगा। इस शो में नजर आएंगे हसन जैदी, ईशा कंसरा, ईशान धवन, अंकित नारंग, स्वाति शाह, चेष्टा मेहता, सुधीर पांडे और अनीता कंवल। यह शो भी एक काफी बड़ा शो होने वाला है। दूसरा शो जो आने वाला है वो है भाग्यलक्ष्मी। यह शो जी टीवी पर आएगा। इसकी अनुमानित डेट मई में बताई जा रही है। यह शो बालाजी टेली फिल्म्स का होगा। इस शो में मोनल गज्जर, वीरेंद्र सक्सेना और किरण शर्मा जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। इस शो की अभी कास्टिंग प्रोसेस चल रही है। तीसरा शो जो जल्द ही आने वाला है वो है रिश्तों का मांझा। यह सीरियल भी जी टीवी पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा। इस शो की भी अनुमानित डेट मई में ही बताई जा रही है। इस शो में कृषाल आहूजा मेल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा फीमेल लीड रोल में प्रोबेबली आंचल गोस्वामी नजर आएंगी। शो में पटरली चट्टोपाध्याय का रोल भी काफी अहम होगा। इसके अलावा शो में भरत कोल, माधवी सिंह और तपस्या दासगुप्ता जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। इस शो की शूटिंग कोलकाता में चल रही है। चौथा शो जो जल्द ही आने वाला है वो है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11। यह शो कलर्स पर आएगा। खबर है कि शो 11 जुलाई से ऑन एयर होगा। इस बार इस शो में काफी बड़े बड़े कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं। इसमें राहुल वैद्या, दिव्यांका त्रिपाठी, निक्की तंबोली, अनुष्का सेन, अर्जुन बिजलानी और सनाया ईरानी जैसे कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं। पांचवा शो जो जल्द ही आने वाला है वो है रियलिटी शो नच बलिए सीजन 10। यह शो भी स्टार प्लस पर ही आएगा। इस शो को मनीष पोल द्वारा होस्ट किया जा सकता है। छठा शो जो जल्द ही आएगा वो है विद्रोह। यह शो भी स्टार प्लस पर ही आने वाला है। इस शो की कहानी हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। इस शो में सुलंगना पनीग्रही, जितिन गुलाटी और अर्जुन शर्मा लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा शो में हेमल इंगले भी नजर आएंगी। यह भी एक बड़ा शो साबित हो सकता है। सातवां शो जो जल्द ही आने वाला है वो है बालिका वधू सीजन 2। इस शो के बारे में हाल ही में खबरें आई थी कि इसका सीजन 2 आने वाला है। यह शो कलर्स पर ही आएगा। इसकी शूटिंग जून से राजस्थान में शुरू की जाएगी। शो को लेकर अविका गौर का कहना है कि अगर उनको यह शो ऑफर होता है तो वो मना नहीं करेंगी। हालांकि शो में कौन नजर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। आठवां शो जो आएगा वो है पवित्र रिश्ता सीजन 2। इस शो के बारे में भी हाल ही में खबरें आई थी। यह जी टीवी पर आने वाला है। हालांकि यह शो थोड़ा सा लेट आएगा। इसके लिए पुरानी ही एक्टर अंकिता लोखंडे को रिटेन कर लिया गया है और मानव का रोल निभाने के लिए एक्टर की खोज जारी है। नवां शो जो आएगा वो है कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3। यह सोनी टीवी का एक पॉपुलर शो साबित हुआ था। इस शो की एक और खास बात होगी कि इसमें पुरानी स्टार कास्ट ही नजर आने वाली है। शो में सुप्रिया पिलगांवकर, शाहिर शेख और एरिका फर्नांडिस को फिर से रिटेन कर लिया गया है। शो की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। दसवां शो जो आने वाला है वो है हम आपके हैं कौन मूवी बेस्ड। इस शो की कहानी सलमान खान, माधुरी दीक्षित स्टारर पॉपुलर मूवी हम आपके हैं कौन पर बेस्ड होने वाली है। शो के लिए अभी किसी को नहीं चुना गया है। यह सीरियल स्टार प्लस पर आएगा, जो कि रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स का होगा। ग्यारहवां शो जो जल्द आने वाला है वो है नए टीवी सीरियल चैनल आजाद टीवी का नया शो अर्जुन पंडित। यह आजाद टीवी का पहला नया शो होने वाला है। इस शो को महेश पांडे बना रहे हैं। इस शो में नजर आएंगे आकाश मुखर्जी, ऐश्वर्या राजबखूनी, रवनीत कौर और अंकित रायजादा। ये सभी मेन रोल्स में नजर आने वाले हैं। बारहवां शो जो आएगा वो है कलर्स का न्यू माइथोलॉजिकल शो। कलर्स पर माइथोलॉजिकल शो की काफी कमी है, जिसको पूरा करने के लिए ये शो आ रहा है। जिस तरह से राधा कृष्ण सीरियल में राधा और कृष्ण की पूरी जर्नी दिखाई गई है और पापनाशिनी गंगा में गंगा की पूरी जर्नी दिखाई गई है, उसी तरह से इस शो में भगवान परशुराम की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी। भगवान परशुराम शिव जी के छठे अवतार थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यह एक बिग बजट शो होने वाला है, यानी कि शो में हमको बड़े बड़े स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। तेरहवां शो जो आएगा वो है प्यार के उस पार। यह सीरियल भी जी टीवी पर ही दस्तक देगा। यह शो जी टीवी के ही ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं का सीजन 2 होने वाला है। इसके लिए एक्टर विक्रम सिंह राजपूत को चुना गया है। चौदहवां शो जो जल्द ही आएगा वो है इशारा टीवी का नया सीरियल। इसका नाम होगा कैसे आए रजनी रजन। शो के बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। पंद्रहवां शो जो जल्द ही आएगा वो है कलर्स का नया क्राइम थ्रिलर शो। इस शो का नाम होगा सनसनीखेज कहानियां। पहले शो का नाम जुर्म और जज्बात रखा गया, परंतु अब शो का नाम बदलकर सनसनीखेज कहानियां रखा गया है। यह एक क्राइम बेस्ड शो होगा, जिसको कि रोनित रॉय होस्ट करने वाले हैं। तो ये थे 15 आने वाले शोज। आप किस शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।